हाय फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैमसंग का J7 प्राइम। फ्रेंड, ये सैमसंग का J7 प्राइम है जिसमें FRP लॉक लगा है, मतलब गूगल अकाउंट लॉक लगा है। तो आज मैं इसका गूगल अकाउंट बाईपास करके दिखाऊंगा, तो मेरे वीडियो को देखते रहे दोस्तों। हाय फ्रेंड्स, शिवा मोबाइल टेक प्लस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। अगर आपके घर में कोई भी दूसरा फ़ोन है तो उसमें हॉटस्पॉट स्टार्ट करके इस फ़ोन से वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर ले ताकि इस फ़ोन पर इंटरनेट चालू रहे। तो वाईफाई कनेक्ट हो गया, अब नीचे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, नीचे यहाँ एग्री कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक अगला ऑप्शन ना आ जाए। यहाँ पर जीमेल आईडी मांग रहा है। इस फ़ोन में लास्ट टाइम जो जीमेल आईडी यूज हुआ था वो जीमेल आईडी पासवर्ड अगर यहाँ मुझे डाल देते हैं तो हमारा फ़ोन यहीं से खुल जाएगा, पर वो जीमेल आईडी पासवर्ड मुझे पता नहीं है और नेक्स्ट करने से आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे, पूरा बैक आ जाएंगे, पूरा स्टार्ट मेनू में आ जाएंगे जहाँ से शुरू किए थे, आ गए। अब यहाँ होम बटन को लगातार 3 बार प्रेस करेंगे तो टॉक बैक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दबाते हैं, 1 2 3, नहीं स्टार्ट हुआ। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, 1 2 3, स्टार्ट हो गया। अब स्क्रीन पर L बनाएंगे, बना दिए। यहाँ टॉक बैक सेटिंग है, इस पर टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2 फिंगर से स्लाइड करेंगे इसे। देखिए गलत ट्रिक हो गया, इसे कैंसिल कर देते हैं। 2 फिंगर से स्लाइड होगा ये, क्योंकि टॉक बैक स्टार्ट है तो 2 फिंगर से ही स्लाइड होगा। तो यहाँ पर हम लोग को खोजना है, देखिए पुराना मेथड से स्टार्ट होता था पहले नीचे साइड से, लेकिन वहाँ से हम लोग को नहीं करना है। देखिए सिंगल टैप एक्टिवेटेड, इसे ऑन कर देना है, ठीक है। अब स्लाइड करके थोड़ा ऊपर जाएंगे, ये गलत टैप हो गया, इसे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आ गए यहाँ टेस्ट टू स्पीच सेटिंग, इस पर टैप करना है, डबल टैप करना है, खुल गया। अब यहाँ सैमसंग टैक्स टू स्पीच, सैमसंग टैक्स टू स्पीच है, यहाँ सेटिंग पर टैप करना है, डबल टैप करना है, खुल गया। यहाँ लिखा है सेटिंग फॉर सैमसंग टेक्स्ट टू स्पीच, ठीक है, डबल टैप किए खुल गया। अब यहाँ लिखा हुआ ऊपर में वर्जन और नीचे में लिखा हुआ नंबर, इस पर डबल टैप करेंगे। जब तक ये खुलेगा नहीं तब तक इसे टैप करते रहेंगे। ठीक है, खुल रहा है, खुल गया। यहाँ एग्री पे टैप करेंगे, ऊपर में सर्च लिखा हुआ है, सर्च पे टैप करेंगे, डबल टैप करेंगे, खुल गया। अब यहाँ लिखेंगे सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र, यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है, इस पर टैप कर देंगे। अब सैमसंग इंटरनेट ब्राउज़र को हम लोग अपडेट कर लेंगे, ठीक है, ये डाउनलोड हो रहा है, यह ऐप डाउनलोड हो रहा है, इसे डाउनलोड होने देंगे। जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो फिर यह खुद ब खुद इंस्टॉल भी होगा। यहाँ पर थोड़ा समय लगता है, मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा भगा रहा हूँ, पर आपको वेट करना है, ठीक है। डाउनलोड हो गया, अब इंस्टॉल हो रहा है, इसे इंस्टॉल होने दे, वेट करें। थोड़ा समय लगता है, यहाँ पर आपको वेट करना है। इंस्टॉल हो रहा है, होने दे, हो गया। अब यहाँ इसे ओपन कर लेंगे, यहाँ नीचे टैप करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ऊपर गूगल सर्च पे सर्च करेंगे BN ROM और सर्च कर देंगे।
यहाँ सबसे ऊपर वाला वेबसाइट है वी एन रोम का, इसे टैप करेंगे। फिर से टैप करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, नहीं खुल रहा है। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, और ट्राई करते हैं, ठीक है खुल गया। हम लोग का वी एन रोम का वेबसाइट खुल गया है। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो नीचे थोड़ा स्लाइड करके जाएंगे। अब यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एंड्रॉयड 6 GEM ऐप, इस पर टैप करेंगे। नहीं हुआ, फिर से वह टैप करेंगे, ये ऐड आ गया है, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड हो रहा है, ओपन का ऑप्शन आ गया, लेकिन यहाँ ओपन अभी नहीं करना है, अभी एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करना है। इस ऐड को हटाने के लिए हमें यहाँ पर टैप करना है, हट गया। अब यहाँ पर हम लोग एक ऐप और डाउनलोड करना है, FRP बाईपास ऐप, इस पर टैप करेंगे। FRP बाईपास ऐप पे नहीं हो रहा है, फिर से ट्राई करेंगे। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। आ गया डाउनलोड का ऑप्शन, डाउनलोड पे क्लिक कर दिए, डाउनलोड हो रहा है, फाइल डाउनलोड हो गया, ओपन फाइल लिखा, ओपन कर दिए। अब हम लोग का फाइल मैनेजर खुल गया है, और यहाँ पर हम लोग का एप्लीकेशन भी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को एंड्रॉयड 6 GEM ऐप को इंस्टॉल करना है। यहाँ सेटिंग मांग रहा है, सेटिंग में जाएंगे और इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए परमिशन दे देंगे, यहाँ इसे चालू कर देंगे। अब इसे इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल हो गया, डन कर देंगे। अब FRP बाईपास ऐप को भी हम इंस्टॉल करेंगे, यहाँ सेटिंग मांग रहा है, यहाँ इसे अलाउ कर देंगे और इसे भी इंस्टॉल कर देंगे। इंस्टॉल हो गया, यहाँ ओपन पे टैप करेंगे, खुल गया। यहाँ 3 डॉट दिख रहा है आपको, इस पर टैप करेंगे, यहाँ लिखा है ब्राउजिंग इन साइन, इस पर टैप कर लेंगे, ओके दबाएंगे और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पर एक कोई भी जीमेल आईडी पासवर्ड लॉगिन कर लेंगे जो आपके पास में है, अगर नहीं है तो आप नया भी बना सकते हैं, पर मेरे पास एक जीमेल आईडी पासवर्ड है, चलिए मैं उसे लॉगिन कर लेता हूँ। आईडी लिखते हैं, लिख लिए, गो कर देंगे। अब यहाँ पर पासवर्ड डाल लेते हैं, पासवर्ड डाल लिए, यहाँ भी गो कर देंगे। अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, या खुद ब खुद साइन इन हो जाएगा और बैक हो जाएगा। बैक हो गया, अब हम लोग क्या करना है, पूरा बैक आ जाएंगे, पूरा स्टार्ट मेनू में आ जाएंगे जहाँ से शुरू किए थे। किसी तरह से भी यहाँ बैक आ जाना है हम लोग को स्टार्ट मेनू में, यहाँ इसे एग्जिट कर देना है। आ गए स्टार्ट मेनू में, हम लोग को फिर से यहाँ पर स्टार्ट पे टैप करना है, वाईफाई कनेक्ट है, नेक्स्ट कर देंगे, या नेक्स्ट कर देंगे, एग्री कर देंगे, और यहाँ पर थोड़ा सा वेट करेंगे, समय लगेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे, यहाँ पर भी थोड़ा समय लगेगा, 2-3-4 मिनट लग सकता है। मैं अपने वीडियो को थोड़ा सा भगा दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दें, ठीक है। अब यहाँ पर नॉट नाउ कर देंगे, यहाँ पर नो थैंक्स में टिक करके स्किप कर देंगे, यानी स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ा सा वेट करेंगे, मेरे चैनल पर आपको मोबाइल से जुड़े बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ इसे स्किप कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे और एग्री कर देंगे, या नॉट नाउ कर देंगे। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ फिनिश पे टैप कर देंगे, यहाँ डन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हमारा फ़ोन जो है कंप्लीट FRP बाईपास हो चुका है। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में टाइप करके ज़रूर बताएं।
मेरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।